हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फेस्टिवल स्पेशल एक रेसिपी। और आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी और खस्ता बिस्किट। और इन बिस्किट को हम एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे के बहुत ही टेस्टी और खस्ता बिस्किट की रेसिपी। गेहूं के आटे की बिस्किट बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा डाल दिया है और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी सूजी और साथ में ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से तिल। तिल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची। इलायची का पाउडर डाला है और मोइन के लिए हम इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच घी। और ये बिस्किट बनाने के लिए आप मोइन के लिए घी का ही इस्तेमाल करें। मोइन को अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे के अंदर। अच्छे से हमने आटे के अंदर घी को मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये 1 कटोरी से थोड़ी सी कम है पिसी हुई चीनी, जिसे हम देसी शक्कर भी बोलते हैं। यह आप चीनी को पीस कर इस तरीके से आप इसका पाउडर बना लें और वो आप इसके अंदर मिक्स कर दें आटे के अंदर, जिससे कि हमारे बिस्किट मीठे होंगे। और अच्छे से हम चीनी को भी आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। इसका आटा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, सख्त आटा हमें लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये आटा गूंथना है, सारा पानी एक साथ भी नहीं डालना है। और इस तरीके से ये हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बिस्किट बनाने के लिए आटा हमारा गूंथ के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अभी हम ढक्कन लगाकर इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही रख देते हैं सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे और एक बार अच्छे से हम इसको मसल देते हैं। अच्छे से मसल कर हम इसको स्मूथ बना लेते हैं। तो ये हमारा बिस्किट बनाने का जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इस तरीके से एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इस लोई को हम एक चकली के ऊपर रखकर इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम हल्का सा इसको चिकना कर लेते हैं और गोल गोल जैसे हम गट्टे बनाते हैं ना, इस तरीके से हमें इसका बड़ा सा रोल बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं एकदम से अच्छे से हमने इसका रोल बनाकर तैयार कर दिया है। रोल के ऊपर एक भी क्रैक नहीं है। और उसके बाद हमें चाहिए एक चाकू और एक चाकू की सहायता से हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा काटेंगे। तिरछा काटकर हम इसको बिस्किट का शेप दे देते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है, बिल्कुल हमें इस तरीके से छोटा छोटा तिरछा काटना है और इस तरीके से हमारे ये बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और एक यूनिक सी डिजाइन हमारी ये बिस्कुट की बनकर तैयार हो चुकी हैं। हल्का सा हमने इसको तिरछा काटा है, जिससे कि दिखने में ये बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो इन बिस्किट को अभी हम निकाल देते हैं एक प्लेट में और सेम इसी तरीके से हम बाकी वाले बचे हुए आटे के भी बिस्किट कट कर लेते हैं। तो फिर से हम इस तरीके से रोल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने अच्छे से फिर से ये रोल बना दिया है और सेम उसी प्रोसेस से हम इस रोल को भी कट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हल्का सा हमें इसको तिरछा कट करना है और आगे वाले पार्ट को हटाकर हम फिर से आटे में मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारे शेप में कट हो रहे हैं और दिखने में भी ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। कोई तामझाम नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और इस मिठाई को हम स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल पर हम ये मिठाई सर्व कर सकते हैं और जब भी हमारा बनाने का मन करे हम झटपट से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर दिए हैं। आप देख सकते हैं दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। और उसके बाद गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। आप चाहे तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो इन बिस्किट को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है और इस गर्म तेल में हम डाल देते हैं ये बिस्किट। एक बार में जितने आ जाए उतने ही डालें और धीमी आंच पर हम इन बिस्किट को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। और जब ये हल्के हल्के से फ्राई हो जाए तो हम इसको पलट लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं बिस्किट का जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होने लग गया है। और ये आप देख सकते हैं दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। इसके अंदर तिल और इलायची का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और बिना चाशनी कोई झंझट नहीं है, बनाना बहुत ही आसान है। रक्षाबंधन पर भी आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसको महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। महीने भर तक तो आपके रहेगी भी नहीं, ये इतनी टेस्टी होती है। एक दो दिन में ही ये मिठाई आपकी पूरी हो जाएगी। और जो बाकी वाले बचे हुए बिस्किट हैं इनको भी हम डाल के कढ़ाई में फ्राई कर लेते हैं। और इनको भी हम पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारी रक्षाबंधन। आप इसको कोई भी फेस्टिवल पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, ये मिठाई आप बनाकर खा सकते हैं। और स्पेशली बच्चों को ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये आटे के हेल्दी बिस्किट है, इसमें कोई भी मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। आटे के बिस्किट बनाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला बैच भी हमने फ्राई कर दिया है, आप देख सकते हैं। अलटते पलटते हुए हमने इनको अच्छे से फ्राई कर दिया है और आप खुद देख सकते हैं दिखने में ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इन वाले बिस्किट को भी हम बाहर निकाल देते हैं। एकदम से खस्ता, ऊपर से कुरकुरे और अंदर से खस्ता हमारे ये बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। तो लीजिए, आटे के हमारे ये बिस्किट बनके तैयार हो चुके हैं। और इस तरीके से हमने ये सारे बिस्किट को फ्राई करके बाहर निकाल दिया है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन फेस्टिवल पर आप भी इस तरीके से घर पे आटे के ये बिस्किट ज़रूर बना के ट्राई करें। तो सारे बिस्किट हमने बनाकर फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं ये आटे के बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बिस्किट को मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने खस्ता बने हैं। ऊपर से कुरकुरे अंदर से खस्ता बिस्किट, ये हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ये आटे के बिस्किट ज़रूर बना के ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।